वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। दो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं टीडीएस में, 194M और 194N। रीजन भी एग्जामिनर के फेवरेट हैं, ऑन एंड ऑफ ये एग्जामिनर इन दोनों सेक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस पूछता रहता है। करेक्ट, दूसरे भी सेक्शंस हैं बट ये दोनों सेक्शंस फ्रीक्वेंटली रिपीटेड होते हैं, तो दैट इज द रीजन आई वुड लाइक टू रिवाइज दीज सेक्शंस विद यू। ओके, सबसे पहले बातें करते हैं 194M की। टीडीएस डिडक्टर कौन होगा यहाँ पर, याद कर लीजिए, ओनली इंडिविजुअल और HUF टीडीएस डिडक्टर होगा। इन केस एक्सपेंसेस कर रहे हैं आप रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर को अगर आप से रिलेटेड कोई एक्सपेंस है, या फिर आप प्रोफेशनल सर्विसेज किसी से ले रहे हैं और प्रोफेशनल सर्विसेज से रिलेटेड आप एक्सपेंस कर रहे हैं, लेट से मैंने आर्किटेक्ट को पैसे देने हैं, तो आप 194M में टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली इन केस यू आर पेइंग सच इंडिविजुअल और HUF इज पेइंग कमीशन और ब्रोकरेज, तो भी आप टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं 194M में। ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंडिविजुअल और HUF, किसी और एसएससी के लिए नहीं होगा। यानी कि टीडीएस डिडक्टर, जो टीडीएस डिडक्टर होगा, इट विल ओनली बी इंडिविजुअल और HUF। अब जैसे ही मैंने कॉन्ट्रैक्टर, प्रोफेशनल सर्विसेज या कमीशन एंड ब्रोकरेज की बातें की हैं, हमारे दिमाग में कुछ दूसरे सेक्शंस भी आने लगते हैं। जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर के लिए वी हैव 194C, प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए प्रोफेशनल सर्विसेज आता है 194J में। 194J में और भी चीजें आती हैं, टेक्निकल सर्विस वगैरह, जिसमें से एक प्रोफेशनल सर्विसेज भी है, तो वी हैव 194J। कमीशन एंड ब्रोकरेज के लिए वी हैव सेक्शन 194H। अब ये क्वेश्चन आता है कि सर अगर हम ये इंडिविजुअल या HUF अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहा है, तो इन दोनों सेक्शंस में से कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा, वेदर 194C और 194M, या फिर प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए J होगा या M होगा, कमीशन ब्रोकरेज के लिए H होगा या फिर M होगा। करेक्ट, तो इन दोनों सेक्शंस को कब यूज करेंगे और इस सेक्शन को हम कब यूज करने वाले हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है पता लगाना। सबसे पहली चीज है, तो 194M ये कहता है कि इन केस असेसी इन तीनों सेक्शंस में जिस किसी भी पेमेंट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर की, प्रोफेशनल सर्विसेज की, कमीशन या ब्रोकरेज की, 194M का ये कहना है कि अगर आप इन सेक्शंस, ये सेक्शंस आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो पाए, तभी आप 194M में आइएगा। अगर ये सेक्शंस आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं, जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं उनके ऊपर ये सेक्शंस एप्लीकेबल हैं, तो 194M नहीं आएगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि दीज आर प्राइमरी सेक्शंस, तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कहीं हमारा जो पेमेंट जा रही है वो पर्टिकुलरली अगर इन सेक्शन में, स्पेसिफिकली इन सेक्शंस में कवर्ड है, तो आप इन्हीं सेक्शंस में रहिए, इस सेक्शन पर नहीं आइएगा। इन अदर वर्ड्स आई कैन से दीज आर स्पेसिफिक सेक्शंस एंड दिस इज अ जनरल सेक्शंस। करेक्ट, तो 194M ये क्लियर करता है कि अगर आप इन सेक्शंस में कवर्ड हो जाते हैं, तो फिर आप इन्हीं सेक्शंस में रहेंगे। दूसरी चीज, हम इन सेक्शंस में कवर्ड क्यों नहीं हो पाते हैं, हमें 194M में क्यों आना पड़ता है? बहुत सिंपल सी बात है, तीनों ही सेक्शंस के लिए कॉमन है। जैसे 194C कहता है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं, एक कंपनी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रही है, एक पार्टनरशिप फर्म पेमेंट कर रही है, तो टीडीएस डिडक्ट करेगी 194C में। इंडिविजुअल और HUF भी टीडीएस डिडक्टर हो सकते हैं यहां पर, बट एक इंपॉर्टेंट बात है, सच इंडिविजुअल और HUF, अगर ऐसे इंडिविजुअल या HUF का लास्ट ईयर का टर्न ओवर, ये लोग कौन है, ये है टीडीएस डिडक्टर, राइट। इन सेक्शंस में आने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है इंडिविजुअल और HUF की, आपके लास्ट ईयर का जो टर्नओवर है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो 1 करोड़ को एक्सीड करना चाहिए, या फिर अगर आप प्रोफेशन कर रहे हैं तो 50 लाख को एक्सीड करना चाहिए। अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, तभी आप इन सेक्शंस में आ सकते हैं, अदरवाइज इन सेक्शंस में नहीं आ पाएंगे। तो अगर इन सेक्शंस में नहीं आ पाएंगे, तो आपको 194M हेल्प कर सकता है, बट हाँ, 194M की भी अपनी छोटी छोटी इजी कंडीशंस हैं। समझ में आ गया? तो इनकेस सच इंडिविजुअल का टर्न ओवर 1 करोड़ 50 लाख से एक्सीड करता है, तो फिर वो इसी इन्हीं सेक्शंस में रहेगा, वो 194J में नहीं जाएगा। प्लस दूसरी रिक्वायरमेंट भी है, इन सेक्शंस में आने के लिए आप जो भी एक्सपेंस कर रहे हैं, वो आपके बिजनेस नेचर के एक्सपेंस होने चाहिए, बिजनेस नेचर के, या फिर अगर एसएससी प्रोफेशन कर रहे हैं तो प्रोफेशनल एक्सपेंसेस होने चाहिए, यानी कि वो आपके पर्सनल एक्सपेंस ना हो, प्रोवाइडेड ऐसा भी होना चाहिए कि वो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस ना हो, अदर पर्पस के एक्सपेंसेस ना हो, इट शुड बी फॉर योर बिजनेस नेचर। जैसे 194C कहता है अगर आप कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं, तो ये जो आपने एक्सपेंस किया है, इट शुड बी रिलेटेड टू योर बिजनेस। करेक्ट,
इनकेस अगर मान लेते हैं कि हमारा टर्नओवर तो 1 करोड़ से या 50 लाख से ज्यादा था, बट वो बिजनेस रिलेटेड नहीं है, तो भी आप इन सेक्शंस में नहीं आ पाएंगे। क्लियर है? यानी कि अगर हमारा टर्नओवर कम हुआ तो भी हमारे हमें 194M हेल्प कर सकता है, या फिर अगर वो हमने फॉर एग्जाम्पल पर्सनल पेमेंट्स की हैं तो हम इन सेक्शंस में तो नहीं आ पाएंगे, हम यहाँ पर आ सकते हैं। करेक्ट? यानी कि इन सेक्शंस में आने के लिए दोनों कंडीशंस का होना जरूरी है। कोई भी कंडीशन ब्रेक है तो आप 194M में आ सकते हैं। ये बात समझ गए? तो 194M इज अ जनरल सेक्शन, पहले स्पेसिफिक सेक्शन चेक कर लीजिएगा। दूसरी बात, अब 194M के सिंपल प्रोविजंस हैं, वो कहते हैं ओनली दोज इंडिविजुअल RHUF हु आर नॉट लायबल टू डिडक्ट TDS अंडर दीस सेक्शंस कैन कम इन 194M, प्रोवाइडेड आपका जो एक्सपेंस आप कर रहे हैं वो 50 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड करता है। तो बहुत ज्यादा एक थ्रेशोल्ड लिमिट दी गई है 50 लाख रुपीज। 50 लाख से एक्सीड अगर वो नहीं करता, एग्जैक्ट 50 लाख भी है, तो TDS डिडक्ट नहीं होगा 194M में। तो यहाँ पर एक हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के ऊपर आप रीजन समझिएगा, लॉ मेकर्स ने, इनकम टैक्स ने 194M क्यों रखा हुआ है, वो चाहता है कि कुछ ऐसे इंडिविजुअल RHUF अपने पर्सनल पेमेंट्स भी ऐसा करते हैं जो एक हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है, 50 लाख रुपीज से ज्यादा के एक्सपेंसेस वो कर रहे हैं, तो उसको हमें रिकॉर्ड करने लाने की जरूरत है। दैट इज द रीजन वो 194M इस पर्पस के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर हम एक हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, ठीक है। 50 लाख से ज्यादा की पेमेंट होगी तभी TDS आएगा 194M में, अदरवाइज नहीं आएगा। और लास्ट बात है, 5% TDS का रेट रहेगा, TDS का रेट वुड बी 5%। क्लियर है? बाकी और दूसरी बातें हैं, बट दैट आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, इतना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। दूसरी बातें TDS डिडक्ट कब करना चाहिए, एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट, विच एवर इज अर्लियर, बट दैट इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ गए 194M में? तो प्लीज याद रखिएगा 50 लाख से ऊपर की पेमेंट होनी चाहिए, और हाँ अगर पर्सनल है तो भी आ सकता है, बिजनेस रिलेटेड है तो भी आ सकता है, बट इंडिविजुअल RHUF का टर्नओवर लास्ट ईयर का अगर 1 करोड़ से या 50 लाख एज द केस में भी एक्सीड करेगा, फिर उनको अपने स्पेसिफिक सेक्शन में रखिएगा। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, टर्नओवर प्लस बिजनेस नेचर का एक्सपेंस होना चाहिए। अगर है तो स्पेसिफिक सेक्शन, नहीं है तो 194M, 50 लाख की कंडीशन आप प्लीज याद रखेंगे। समझ में आ गया? दूसरा सेक्शन है 194N। 194N कहता है दैट इज ये लोग TDS डिडक्टर कौन होगा यहां पर, इधर इट कैन बी बैंक या फिर कोई कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस, जहां पर लोग अपने अकाउंट्स वगैरह खुलवाते हैं, बैंकिंग अकाउंट, पोस्ट ऑफिस अकाउंट खुलवाते हैं और वहां से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, कैश विड्रॉ कर सकते हैं। तो दिस इज ये एक ऐसा सेक्शन है 194N जहां पर हमारी कोई इनकम नहीं हो रही। जनरली TDS डिडक्ट कब होता है, अगर हमारी इनकम होती है तो डिडक्टर उसके ऊपर TDS डिडक्ट कर लेता है, बट 194N एक ऐसा सेक्शन है जहां पर असेसी की कोई इनकम नहीं हो रही है, वो सिर्फ अपने पैसे विड्रॉ कर रहा है, तब भी 194N लग जाएगा। अगेन यहां पर इनकम टैक्स चाहता है कि कुछ हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना, उनको पकड़ना, जिससे चीजें ट्रांसपेरेंट रहे। अगर कोई बहुत ज्यादा कैश विड्रॉ कर रहा है, हम उसके ऊपर सुपरविजन रख सके। करेक्ट? तो यहां पर यह लिखा हुआ है कि इनकेस अगर कोई भी पर्सन जिसका यहां पर अकाउंट है और वो वहां से कैश विड्रॉ करता है ड्यूरिंग द ईयर, और टोटल एग्रीगेट ड्यूरिंग द ईयर वो एक्सीड करता है 1 करोड़, इन सम केसेस 20 लाख भी आएगा, बट जनरली इट इज 1 करोड़, अगर आप 1 करोड़ से ज्यादा का कैश विड्रॉल करते हैं, यू अंडरस्टैंड कैश विड्रॉल, करेक्ट? अगर आप किसी को अकाउंट पे ही चेक देते हैं, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह देते हैं, NEFT करते हैं, उसके ऊपर नहीं लगेगा, इट इज ऑन कैश विड्रॉल। आप बैंक जाते हैं और कैश विड्रॉ करते हैं, इधर थ्रू ATM और थ्रू द काउंटर, करेक्ट? कैश विड्रॉ कर रहे हैं आप लोग, और वो कैश विड्रॉ 1 करोड़ रुपीज से एक्सीड करता है, इन सम केसेस इट इज 20 लाख ऑल्सो, और एक अमेंडमेंट आई है, इन सम केसेस इट इज 3 करोड़ ऑल्सो, मैं उन सबकी बातें करूंगा, बट अभी जनरल बातें कर लेते हैं 1 करोड़। तो अगर आप 1 करोड़ रुपीज विड्रॉ कर रहे हैं तो आपका TDS डिडक्ट हो जाएगा बैंक, जब आपका 1 करोड़ से एक्सीड करेगा तब बैंक TDS डिडक्ट करेगा, कितने अमाउंट के ऊपर, द अमाउंट विच इज एक्सीडिंग लिमिट, एक्सीडिंग दैट लिमिट ऑफ 1 करोड़, 20 लाख या 3 करोड़ एज द केस में भी, अभी 1 करोड़ से समझ लेते हैं, फिर मैं आपको 20 लाख और 3 करोड़ भी बता दूंगा, ठीक है। तो जब आप विड्रॉ करेंगे 1 करोड़ से ज्यादा तो TDS डिडक्ट हो जाएगा 2%, करेक्ट? इतनी बातें समझ में आ गई। अगर इनकेस कोई भी SSE है, उसने बैंक से कैश विड्रॉ करा है पूरे साल में, पहले 20 लाख करा फिर 25 लाख किया, ऐसे करते करते 1 करोड़ जब एक्सीड हो जाएगा तब बैंक आपका TDS डिडक्ट करना शुरू करेगा,
लेट से पूरे साल में अगर किसी एसएससी ने 110 लाख रुपीज विड्रॉ करे हैं तो 10 लाख के ऊपर 2% टीडीएस रिटर्न होगा, करेक्ट। दूसरी बात इन्होंने बोली है कि अगर एसएससी अपनी रिटर्न्स, अपने पिछले 3 साल की रिटर्न्स टाइम से डिपॉजिट नहीं करा रहा था, टाइम से सबमिट नहीं करा पा रहा था तो हम उसको एक नाम देते हैं नॉन फाइलर। नॉन फाइलर का मतलब ये होता है कि वो अपनी रिटर्न्स टाइम से या तो उसने डिपॉजिट नहीं कराई, सबमिट नहीं कराई ड्यू डेट तक, या फिर उसने अपनी रिटर्न्स को सबमिट कराने में डिले किया, तो उसको हम नाम दे रहे हैं नॉन फाइलर्स। तो नॉन फाइलर्स ऑफ आरओआई कितना? 3 साल की। ये कौन से 3 साल लेने हैं ये भी मैं बता दूंगा। जनरली अभी अभी फिलहाल के लिए समझ सकते हैं लास्ट 3 ईयर्स, बट इसके ऊपर भी एक छोटा सा पॉइंट है, अभी मैं क्लियर कर दूंगा। तो नॉन फाइलर्स ऑफ आरओआई के लिए बोला गया है अगर आप 20 लाख से एक्सीड करते हैं, 20 लाख से ज्यादा का कैश विड्रॉ हो जाता है, तभी आपके ऊपर हम टीडीएस लगा देंगे एट अ रेट ऑफ 2%, और जब आपकी लिमिट 1 करोड़ से ऊपर हो जाएगी उसके ऊपर लगाएंगे 5%। यानी कि दो रेट से यहां पर भी हमारे पास 2% और 5%, जनरली 2% है 1 करोड़ से ऊपर, बट हाँ इनकेस एसएससी नॉन फाइलर है, अगर एसएससी नॉन फाइलर है, उसने अपनी रिटर्न टाइम से डिपॉजिट नहीं कराई थी, ड्यू डेट भी निकल गई थी और बाद में कराई थी या कराई नहीं थी, तो 20 लाख के बाद बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा 2% और 1 करोड़ के बाद डिडक्ट करेगा 5%। यानी कि मान लेते हैं कि अगर एसएससी हमारा नॉन फाइलर है और उसने पूरे साल में फॉर एग्जाम्पल 120 नहीं लेता, कुछ 20 के अलावा कुछ और ले लेता हूँ, 135 लाख उसने विड्रॉ किए और वो नॉन फाइलर था। देखिए फर्स्ट 20 लाख पर, फर्स्ट 20 लाख पर तो कोई टीडीएस नहीं आएगा, नेट 20 लाख तक तो टीडीएस नहीं होगा, 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक, 100 लाख तक टीडीएस हो जाएगा 2%, और 100 लाख से ऊपर जितना भी अमाउंट उसने विड्रॉ करेगा उसके ऊपर 5%। जैसे हमारे केस में अगर वो 135 लाख विड्रॉ कर रहा है तो 100 लाख से लेकर ऊपर कितना जा रहा है 135 तक, उसके ऊपर 5%। तो आप सिंपल निकाल सकते हैं, बिल्कुल वैसे बन गए जैसे स्लैब रेट्स बन रहे हैं। तो फर्स्ट 20 लाख पर तो कोई टीडीएस नहीं है, 20 से 100 तक तो सिंपल कर सकते हैं 80 लाख के ऊपर 2%, और यहां पर 35 लाख के ऊपर 5%, इतना टीडीएस आप लोग निकाल दीजिए। क्लियर हो गया। दूसरी बात, ये नॉन फाइलर्स कौन होते हैं? नॉन फाइलर्स वो लोग होते हैं जो अपने लास्ट 3 रिटर्न्स उन्होंने अपने टाइम से डिपॉजिट नहीं कराई थी, जिसकी ड्यू डेट एक्सपायर हो चुकी है। आपको लास्ट 3 इयर्स वो लेने हैं जिनकी ड्यू डेट्स एक्सपायर हो चुकी हो सकता है कि आपका जो लास्ट ईयर चल रहा है अभी उसकी ड्यू डेट एक्सपायर नहीं हुई थी, तो वो नहीं लेना है आपको, सिर्फ वो लेना है जिसकी ड्यू डेट एक्सपायर हो गई हो। आई बिलीव आपको ये प्रोविजन भी याद आ गया, ठीक है। अमेंडमेंट सुन लीजिएगा लास्ट में। अमेंडमेंट ये आई है कि अगर जो विड्रॉ कर रहा है वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, यानी कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का बैंक अकाउंट है और वो वहां से विड्रॉ कर रहे हैं, तो इनकेस कोऑपरेटिव सोसाइटी विड्रॉ कर रही है तो उस केस में जहां जहां पर आपको 1 करोड़ शो हो रहा है उस लिमिट को बढ़ाकर 3 करोड़ करेंगे। यानी कि अगर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी कंप्लायंसेस अपने पूरे फॉलो करती थी, ये नॉन फाइलर नहीं है, तो इनका टीडीएस डिडक्ट होगा जब इनकी लिमिट 3 करोड़ को क्रॉस कर जाएगी कैश विड्रॉल की, करेक्ट। उसके बाद 2% होगा, 3 करोड़ से पहले नहीं होगा, राइट। ये इस साल के लिए अमेंडमेंट है फॉर एप्लीकेबल फॉर योर सितंबर 2024 एग्जामिनेशन। दूसरी बात, यहां पर अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी नॉन फाइलर है, देखिए 1 करोड़ की लिमिट को चेंज करा है, 20 लाख की लिमिट को चेंज नहीं किया है, इसका मतलब 20 लाख अगर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी नॉन फाइलर है तो 20 लाख के बाद ही टीडीएस डिडक्ट होना शुरू हो जाएगा 2% तक, बट इस 1 करोड़ की लिमिट को 3 करोड़ कर देंगे। यानी कि 20 लाख से लेकर 3 करोड़ के बीच में 2% होगा और 3 करोड़ के बाद 5% हो जाएगा। आई बिलीव ये दोनों सेक्शंस आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। एग्जाम में अगर आए तो कोई भी गलती मत कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।